सो गाइस, तो अगर आप भी एक नया कॉस्मेटिक शॉप ओपन किए हो और आप चाहते हो कि आपके शॉप में जो अच्छा खासा सेलिंग हो, या इन फ्यूचर आप शॉप ओपन करने वाले हो और आपके शॉप पे सामान कैसे रखना है, तो ये सारे जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो आगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो सामान लेके आया था वो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके का सामान जो मैं लेके आया हूँ, अगर आप आपके शॉप में रखेंगे तो मुझे जितना लगता है, मेरा जितना नॉलेज है, आपका शॉप में ये बढ़िया चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं वही सामान शॉप में लाता हूँ जो रेगुलर बिकता हो, और शॉप में बढ़िया से बढ़िया सामान रखेंगे आपका शॉप नहीं चलेगा। आपका शॉप तभी चलेगा जब आपके शॉप में जो है रनिंग आइटम होगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट में जो सामान बिकता है वो सामान होगा, ठीक है। तो चलिए सामान देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द शो गाइस। तो आज जो है जल्दी जल्दी आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये है गजरा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आइटम है ना, यहाँ पे मैं हैंगिंग करता हूँ तो ये पूरा खाली हो चुका है, इस वजह से ये एक पैकेट लेके आया, और एक पैकेट में 10 पीस रहता है। चलो, तो ये एक, और इसमें देख सकते हो ये रेगुलर यूज होने वाले टॉप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिजाइन लेके आया, गोल्डन कलर का सुई सूता, इसको कान का बोलते हैं, इयररिंग्स। ये खोल के दिखाओ कान से, देखो इस तरीके का डिजाइन है, कितना बढ़िया डिजाइन है, ठीक है। तो ये 40 रुपीज सेल होता है मेरे शॉप पे। और ये लेके आया नथनी, ठीक है, 2 पैकेट। तो चलो ये एक हो गया। तो ये क्लचर लेके आया, तो कांची अभी बोल रही कि वो है अभी भी। देखो कितना सारा है, 5 पीस तो बिकेगा ना। ये एक ही पीस बचा हुआ है, ये चाहिए, ठीक है। क्लचर एक डिजाइन, तो ये 3 डिजाइन लाया गया इस क्लचर का। उसके बाद काबरी मेहंदी 2 बॉक्स, नोज क्रश क्रीम ये सिर्फ 2 पीस ही लाया, कोलोविटा जी, देन लाया गया वीको टर्मरिक क्रीम 3 पीस, फेरन लवली 62 रुपीज 3 पीस, देन लोटस SPF 20 1 पीस, नाइसिल पाउडर 6 पीस। हो गया गड़बड़, क्या हुआ? पाउडर ये पूरा गिर गया होगा, आया था अंदर। ऐसे ही ये सब चीज़ों में ना प्रॉफिट कम है, ऊपर से 1 पीस अगर ऐसे डैमेज निकल जाए ना तो फिर और दिक्कत। जब लाया था उस टाइम तो दिखा नहीं, अभी ये दिख रहा है। उसके बाद ये लाया चूड़ी, रेड कलर का वेलवेट चूड़ी है ये वाला। मैं उसके बाद फेरन लवली 22 रुपीज वाला 1 दर्जन, ये डाक शैम्पू का बाउचेस नीचे रख दो। गुलाबी दिल नेल पॉलिश का कंटेनर 1 पैकेट, डाप साबुन 6 पीस, नेल पॉलिश लिक्विड वाला रिमूवर 1 बॉक्स। ये ले गया गाइस मंगलसूत्र। मंगलसूत्र आज लेने के लिए गया था, लेकिन वही सब पुराना वाला डिजाइन जो पहले लेके आया था ना कांची, 3-4 बार आइटम हो गया, वही सब डिजाइन है, इसलिए लाया ही नहीं, ठीक है। ये 1 पीस 2 पीस, मतलब बहुत सारा देखा ना, उसके बाद कैसे ना लूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 3-4 पीस। और ये एक डिजाइन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इयर रिंग्स है गाइस, टॉप है, यहाँ पे रख दो, मैं दिखा देता हूँ सारे लोगों को, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत सारे डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, ये सिंपल वाला है, ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन, ये एक डिजाइन, और उसके बाद रेगुलर यूज होने वाले टॉप, ये एक डिजाइन। तो ये वाला कार्टून में तो पूरा का पूरा आइटम जो है खत्म हो गया, तो चलो वो साइड में रख दो। अभी वो हमारा जो जादू का पिटारा है उसके अंदर थोड़ा बहुत सामान है, वो भी दिखा देते हैं। उसमें शायद ज्यादा कुछ आइटम है नहीं। हिमालय का बेबी वाइप्स है ये, और ये गार्नियर हेयर कलर, अब ये 42 रुपीज MRP वाला, और ये शैम्पू के पाउचेस है, और 2 ये फॉक रेड कलर और पर्पल कलर। तो कुल मिला के ये है गाइस आज का शॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ आज जो सामान लेके आया ना वो 5,700 रुपये का सामान यहाँ पे मैं लेके आया ओवरऑल, ठीक है। ज़्यादा सामान आज था ही नहीं, तो ये सामान जो है अभी हम शॉप पे ऑर्गेनाइज करते हैं।
लगभग लगभग जो है सारे सामान हमने ऑर्गेनाइज कर दिए है, ठीक है। बस ये दो ही आइटम बचा हुआ है, तो ये दो आइटम जो भी है वो भी रख देगी कंसी, फिलहाल तो कस्टमर आई हुई है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया गया, जिस तरीके से आपको शॉप में सामान खरीद के लाना है आपके नए कॉस्मेटिक दुकान पे, और सामान जो है इस तरीके से ही आपको आपके रैक में डिस्प्ले करके रखना है। और एक छोटा सा टिप शेयर करूंगा, जितना पॉसिबल हो सके सामान जो है ना जल्दी जल्दी लाने की कोशिश कीजिए। जितना सेल हो रहा है मतलब 15 दिन 20 दिन एक महीना बात नहीं, जितना पॉसिबल हो सके हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में दो दिन जाके आप सामान लाइए। इससे क्या है आपके शॉप में रेगुलर नए नए स्टॉक आते रहेंगे, ठीक है। इससे कस्टमर जो आपके शॉप में आएंगे उनको आपके शॉप में जो है ना नए नए सामान दिखेंगे, इससे क्या है कस्टमर बोरिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।